में एक नाबालिग ने दिन दहाड़े एक महिला का पर्स चुरा लिया। सीसीटीवी में चोरी की घटना को देखकर महिला और कसवाइयों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई कर दी। पूरा मामला कस्बा एवं थाना गुन्नौर में अग्रवाल बंदूक की दुकान का है, जहां पर सेजना मुस्लिम गांव की महिलाएं खरीदारी को आई थी। काउंटर पर बैगनुमा पर्स रखकर महिलाएं एफएम प्लस देख रही थी। इस बीच एक नाबालिग वहां पहुंचा और पर्स पर एक खाली प्लास्टिक का कट्टा डालकर पर्स चुराकर भाग गया। पर्स गायब देख शोर शराबा हुआ, जिस पर दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें नाबालिग बैग चुराकर भागता साफ दिखाई दे रहा था। फुटेज देखकर कस्बे से महिला और कसवाइयों ने आरोपी की पकड़कर पिटाई कर दी। पर्स में रखे 250 रुपए भी उसने वापस कर दिए, लेकिन पर्स उसने इससे पहले ही फेंक दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? हमारा नाम अनुकराज है। अनुकराज? अनुकराज ही? अनुकराज। अनुकराज कहाँ रहते हो तुम? जाए रहते गंगा के पार। गांव बताओ कौन सा? गांव का नाम नहीं, गंगा के बालंग रहते बस। तो आज किसके पैसे चुरा लिए तुमने? इनका चुराया था, 250 रुपए निकले तो दे दिया। 5000 रुपए दे, इसमें झूठ मत बोले। हमको जान से बात, हमने 250 रुपए 15 रुपए दे उसके अंदर। सही सही भगवान माँ का सब। तो चोरी कब से करते हो तुम? जब भूख लग रही थी तो सीखे। हमने खाने को कहते हैं भूख लग रही, खाना हम खिलवाते चलते तुम्हें। कहाँ रहते हो? सैना मुस्लिम। क्या घटना हुई आज गुन्नौर में? मतलब हमारे वो जो गंजे जो है टीवी जो बेचते हैं, उनके वहाँ से एफ आई रहते हैं हम लोग, वहाँ बॉलीवुड रखा हुआ था। तो ये लड़के ने कट्टा डाला, उसके ऊपर कट्टा डाल के ये लेके चल दिया। अच्छा, हमने जब पैसे देने को देखा तो वहाँ में बॉलीवुड ना, फिर वो जूम करके उनके मोबाइल में जूम करके उसका फोटो देखा। जब उसको जाकर वहाँ पे पकड़ा, पैंट में 4-5 चक्कर हमारे लग गए, इधर से उधर उधर से उधर। अच्छा, पर्स ले गया, सीसीटीवी से पकड़ा है इसको। हाँ, सीधा हाथ वाला पर्स था।